सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के अध्ययन अध्यापन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए रोचक तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड का। आइए देखते हैं हमारा आज का नया प्रकरण क्या है। हमारा आज का प्रकरण है जामुन का पेड़। जी हाँ, जामुन का पेड़। ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। कृष्ण चंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। कृष्ण चंद्र जी का जन्म 1914 ईस्वी को वजीराबाद पंजाब राज्य में हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने नई कहानी विधा को अर्थात कहानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कथाकार कृष्ण चंद्र जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण चंद्र जी वैसे तो उर्दू कथा साहित्य में अपनी अनूठी रचनाशीलता के कारण, रचनात्मकता के कारण बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से किसी भी लेख को, किसी भी साहित्य को लिखने के पक्षधर थे। उनकी रचनाओं में समाज की वास्तविकता का, समाज का यथार्थ का चित्रण होता है। छोटी बड़ी कुल मिला के अनेकों रचनाएं उन्होंने किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे यूकेलिप्टस की डाली, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, 52 पत्ते, मेरी यादों के किनारे, जब खेत जागे। उनके उत्कृष्ट कार्यों और उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित भी किया था। 1977 में लेखक महान कहानीकार कृष्ण चंद्र जी की मृत्यु हो गई। कृष्ण चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा पाठ जामुन का पेड़ है, जिसका वर्णन हम और आप अभी आज के इस अंक में करेंगे। लेकिन पढ़ने से पूर्व हम ये जान लें इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिसको लेखक उभारना चाहता है। लेख पाठ की पृष्ठभूमि के अंतर्गत जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र जी का एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग, यहाँ दो शब्द आपको मिलेंगे। पहले तो आप व्यंग जान लीजिए, फिर आप हास्य व्यंग जानेंगे। व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष। कटाक्ष से हमारा तात्पर्य है किसी भी बात को सीधे अर्थात प्रत्यक्ष रूप में ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहने की जो हिंदी साहित्य की विधा है, उसे हम व्यंग कहते हैं। यानी किसी भी सामाजिक समस्या पर सीधा सीधा तीखा प्रहार ना करके अप्रत्यक्ष रूप से उस सामाजिक समस्या पर प्रहार करना साहित्य के अंतर्गत व्यंग कहलाता है। और उसी व्यंग में जब हंसी का पुट जोड़ दिया जाता है, उसको हास्यात्मक, हास्यास्पद बनाया जाता है, उसको बढ़ाकर, उसको चढ़ाकर, आगे बढ़ाकर उसमें हास्य का पुट जोड़ा जाता है, तो वह हास्य व्यंग का रूप ले लेता है। जैसा आप आगे देखेंगे कि इसमें आपको बताया जाएगा कि हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी रही है। यह कहानी भी इसका अनुपालन करती है। यदि यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं में मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। पाठ में भी हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि सरकारी कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, पदानुक्रम कितना हास्यास्पद एवं अमानवीय है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो कार्यक्रम, यहाँ के कार्य की जो शैली है, वो संवेदनशील एवं अमानवीय होने का एक पक्ष जो इस पाठ में उभर कर सामने आता है। पाठ में सरकारी बाबू और अधिकारियों की विभागीय कार्रवाई के कारण दम तोड़ते मनुष्य के व्यथा की कथा है। प्यारे बच्चों, संक्षेप में मैं आपको यह बता दूँ कि प्रस्तुत पाठ सरकारी कार्य प्रणाली जो है, अर्थात सरकारी कार्यालयों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो कैसे अपने कार्य को करते हैं और कार्य को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का जो तरीका अपनाते हैं, उस पर एक तीखा सा व्यंग है, एक पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के माध्यम से। और
खास करके यहाँ यह बताने का लेखक प्रयास करता है। पूरा पाठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सरकारी कार्यशैली में कार्य को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का सीधा सा तरीका है अपने कार्य को दूसरे के ऊपर थोप देना, अर्थात सरकारी विभागों में सिर्फ फाइलें दौड़ती हैं, समुचित ढंग से कार्य नहीं होता। इसी व्यवस्था को लेकर तीखा सा व्यंग इस पाठ में प्रदर्शित किया है आपके लेखक ने, जिसका एक छोटा सा उदाहरण लेखक ने दिया है। आईने के सामने एक उनकी पुस्तक है, उसमें लेखक ने एक लाइन लिखी थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस पाठ से बिल्कुल मैच करती हैं। इसमें लिखा था लेखक ने कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। प्यारे बच्चों, इस शेर को, इस पंक्ति को पढ़ करके बखूबी आप समझ पा रहे होंगे कि लेखक के अंदर कितना कटाक्ष, कितना तीखा व्यंग भरा है सामाजिक कार्यशैली, सामाजिक परिदृश्य के प्रति। जो समाज में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो कृष्णचंद्र जैसा व्यंगकार अपने लेखनी से व्यंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं पाठ के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, सचिवालय में एक किनारे आम जामुन का एक पेड़ था, और लेखक बताते हैं कि रात को बड़े जोर का झक्कर चला, सचिवालय की लान में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर आकर लान में आया। मिनटों में सुपरिंटेंडेंट दौड़ के क्लर्क के पास गया, दौड़ कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मिनट में लान में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई, आदमी के चारों ओर ढेर सारे लोगों का जमावड़ा एकत्रित हो गया। प्यारे बच्चों, इस क्रम में आपने देखा कि कैसे दबे हुए आदमी को शीघ्रातिशीघ्र सहायता न प्राप्त करके एक आदमी दूसरे के पास दौड़ रहा, दूसरा तीसरे के पास दौड़ रहा, तीसरा चौथे के पास दौड़ रहा है। क्रम कैसे आगे बढ़ता है लेखक इसके बारे में लिखते हैं कि पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखने आसपास के लोग जमा हो गए। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क बोला, जामुने कितनी रसीली होती थी। और तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला, मेरे बच्चे कितनी खुशी से खाते थे, मैं तो मौसम में झोली भर भर के जामुन के फल ले जाता था। माली ने धीरे से इशारा करते हुए कहा, मगर यह आदमी, हाँ यह आदमी, तो इसको बचाने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। सुपरिंटेंडेंट कहता है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। दूसरा चपरासी उसका जवाब देता है, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिर पड़े वह कैसे बच सकता है। दरअसल वह इसलिए बोला ऐसा क्योंकि वह आलसी और कामचोर था। पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी खुद बोल रहा है, नहीं नहीं भाई, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। क्लर्क को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्लर्क कहता है, ताज्जुब है, आदमी अभी तक जिंदा है। आसपास के लोग सब मिल करके उस आदमी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए उसका एक छोटा सा दृश्य लेखक ने उपस्थित किया। एक क्लर्क ने कहा, आदमी अभी भी जिंदा है तो इसे शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकाला जाना चाहिए, पेड़ को हटाकर जल्दी शीघ्र ही इसे बाहर निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी बोला, क्योंकि यह तना बहुत भारी और वजनी है, यह पेड़ का की जो शाखा है जिसके नीचे यह आदमी दबा हुआ है, उसकी तना, उसकी डाल बहुत मोटी है इस चपरासी के अनुसार, इसलिए इसको इतना शीघ्रता से हटाया नहीं जा सकता। सुपरिंटेंडेंट उसको डांटते हुए कहते हैं, क्या मुश्किल है, अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो मैं 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क को लाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकता हूं। माली ने कहा, ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। माली के इस वक्तव्य को सुनकर ढेर सारे वहां जितने भी लोग जमा थे वो सब बोल पड़े, ठीक है, माली जो कह रहा है ठीक कह रहा है, आओ हम सब एक साथ मिलकर जोर लगाते हैं और इस आदमी को पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं।
तब एक साथ जोर लगाने को तैयार हुए कि अचानक सुपरिटेंडेंट बोल पड़ा, ठहरो। इसके बाद कहानी में क्या होता है, क्या आदमी पेड़ के नीचे दबा ही रह जाएगा, आदमी को क्या आसानी से बाहर निकाला जाएगा, इसको जानने के लिए आप देखिएगा हमारी अगली वीडियो। फिलहाल आज के अंक में बस इतना ही। अब आज के अंक में हमने आपने मिलकर क्या सीखा, इसको जानने के लिए हल करते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ था। दूसरा प्रश्न है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया दी और क्यों। तीसरा और अंतिम प्रश्न जो कि रचनात्मक है, अपने आसपास के किसी संवेदनहीन घटना को आधार मानकर एक व्यंग लिखिए। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।